ब्रेरर फंडिंग पर एफएटीएफ की चेतावनी से पाकिस्तान पूरी तरह सहम गया है। इसी का असर है कि अब उसने आतंक को होने वाली फंडिंग रोकने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को कहा कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान का ये बयान तब आया है जब एफएटीएफ ने इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी देते हुए फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। एफएटीएफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फरवरी तक ट्रेडर फंडिंग पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को दिए गए 27 लक्ष्य पूरा न होने पर गहरी चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने एफएटीएफ को भरोसा दिलाया है कि वो उसके एक्शन प्लान पर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पाक प्रतिनिधिमंडल ने एफएटीएफ के डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर एक्शन प्लान पर हुई प्रोग्रेस पर भी चर्चा की। एफएटीएफ ने पेरिस में अपनी 5 दिन की बैठक में पाकिस्तान को चेतावनी दी है, साथ ही उसके ग्रे लिस्ट में बने रहने का फैसला बरकरार रखा है। एफएटीएफ ने ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि अगर पाकिस्तान अपने टारगेट के पूरा करने में विफल रहता है तो वे अपनी कार्रवाई करें। इस पूरे मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, मीटिंग में फैसला हुआ कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा और उसे चेतावनी दी कि वो फरवरी 2020 तक पर्याप्त कदम उठाए। हालांकि ग्रे लिस्ट में होने के बाद भी पाक के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और यूरोपियन यूनियन से मदद लेना काफी मुश्किल होगा। साथ ही तब तक मूडी, S&P, फिच उसकी रेटिंग में सुधार नहीं कर सकेगा, जिस कारण उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। FATF के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने लश्कर जैश हिजबुल जैसे आतंकी संगठन को होने वाली फंडिंग पर रोक लगाने के लिए 27 में से 5 टारगेट को ही पूरा किया है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक सभी टारगेट पूरे करने होंगे।